मैं जा रही हूँ मार्केट। तो देखिए इमली का जुगाड़ करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सर्च करते करते मेरी हालत टैटे फेस हो गई है। तो आज का काम कल, कल का काम परसों। तो जैसा भी है मैं सोच रही हूँ कल ही बनाती हूँ। आज सिर्फ इमली इकट्ठे करने का काम करती हूँ और बनाने का काम कल करती हूँ। चलिए फिर घर चलते, अपना फ्लोर भी आ गया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज प्रभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल और चटपटा और बहुत ही टेस्टी खाना। टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए हम सब चलते हैं किचन में, बनाना शुरू करते हैं। चलिए तो मैं पहुंच गई किचन में। एक्चुअली मैं कल भी पहुंच गई थी किचन में पानी पूरी बनाने के लिए, लेकिन जैसे मैं किचन में आई तो देखा कि इमली नहीं है। तो इमली के लिए मैं पहले मार्केट गई। तो देखिए आपको पहले कि मैं पहले मार्केट गई और इमली का जुगाड़ करके आई फिर ही बनाई। तो देखिए पहले आप लोग, एक्चुअली आज बनाना है पानी पूरी, लेकिन जैसे मैं बनाने गई तो देखा तो इमली नहीं है और बगैर इमली के चटनी बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ इमली खरीदने। तो मार्केट से वापस आने के बाद ही हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। कार्यक्रम मतलब बनाने का कार्यक्रम। तो चलो चलते हैं, पहले मार्केट चलते हैं। वापस आने के बाद यदि कुछ एनर्जी बची रहेगी तो मैं बनाऊंगी चटनी, नहीं तो फिर कल बनाएंगे। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मार्केट में तो मैं आ गई हूँ। लेफ्ट साइड में मैंने एक दुकान देख भी लिया है तो वो बंद पड़ा है, और ये मेरे राइट हैंड के साइड में जो दुकान दिख रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे भी जाके एक बार पूछताछ कर लिया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं यहाँ पे भी। तो क्या करें, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इमली का जुगाड़ करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पानी पूरी चाहिए तो देखिए इतने रात को भी मैं मार्केट आ गई हूँ क्योंकि इमली तो खरीदनी ही है। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं मार्केट क्यों आई हूँ। मार्केट इसीलिए आई हूँ क्योंकि पानी पूरी बनाना है, और पानी पूरी बनाने के लिए पानी पूरी की चटनी भी चाहिए। और चटनी कैसे बनती है, खट्टी मीठी, और उसमें क्या डलता है, इमली। तो इमली तो घर में है नहीं, तो इसीलिए मैं मार्केट आ गई और इमली खरीद के वापस जाना है। तो मैं सर्च कर रही हूँ तो एक दुकान तो बंद ही मिला मुझे, तो आगे जाके मैं देखती हूँ शायद कोई दुकान और मिल जाए। तो चलिए चलते आगे, तो होप कोई ना कोई दुकान मिल ही जाए। ये देखिए सामने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शॉप दिख गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो मैंने जूम कर लिया, ये देखिए तो कटिंग चल रही है सामने। तो जो कटिंग कर रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना, जो कटिंग करवा रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना, तो सब बिंदास हो गए अभी। तो हो कोई ना कोई दुकान मिल ही जाए इमली के लिए। तो चलिए मैं आगे और जाती हूँ, जाके देखती हूँ कि शायद कोई दुकान मुझे मिल जाए। इमली लेके घर जाना है क्योंकि उसके बगैर तो चटनी बनेगी नहीं। तो इमली खरीदने के लिए मुझे इतना क्यों घूमना पड़ा आपको पता है, क्योंकि सब खुले हुए मिल रहे थे और मुझे चाहिए था थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, इतना सारा मुझे बनाना भी नहीं है। तो सब खुले हुए मिल रहे थे, जो पैकेट में मिल रहा था बड़ा वाला पैकेट मिल रहा था, और मुझे चाहिए था छुटकू सा पैकेट। तो इसी चक्कर में बहुत घूमना पड़ा। एनीवे फाइनली मिल गया, तो मैं जा रही हूँ घर। तो मुझे इमली मिल गई है, लेकिन अभी बाहर से घूम फिर के आने के बाद अभी अच्छा नहीं लग रहा बनाने को। इमली ढूंढते ढूंढते मैं बिल्कुल टायर्ड हो गई हूँ। बढ़िया है ना, आज का काम कल को, कल का काम परसों। नहीं मैं सच में थक गई हूँ वॉक करते करते, लेकिन इतना ज़्यादा घूमे फिरे इमली के चक्कर में कि अब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि आज मैं पानी पूरी बनाऊँ। तो कार्यक्रम को कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, तो कल बनाऊँगी, ठीक है चलो। तो फिर आज मैंने सारे चीज़ों का जुगाड़ कर लिया है, मेरे पास सब चीज़ है, इमली है, सब चीज़ है। तो आज फाइनली बनाना ही है, तो अभी चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चलो पहले जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इसके दर्शन कर लीजिए, यही वो पैकेट है जिसने मुझे इतना परेशान किया, जिसके लिए मैंने इतना ज़्यादा घूमी, इतना ज़्यादा वॉक किया पूरे मार्केट में। इतना छोटा सा पैकेट ही मुझे चाहिए था, और सब लोग दिखा रहे थे बड़ा बड़ा सा पैकेट, 1 kg का, 250 का, तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ा। तो एनीवे चलो अपना काम शुरू करते हैं क्योंकि सामान तो आ गया है।
तो मैंने इमली को पानी में भिगो के रखा था कुछ समय के लिए, और छान के इमली का पानी अलग कर दिया और बाकी सब उसके बीजे सब निकाल दिए, ये देखिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो सबसे पहले हम लाल मिर्च का तड़का लगा लेंगे, फिर कढ़ाई में हम जो इमली का जो पानी तैयार करके रखे थे उसको डाल लेंगे और गुड़ डाल लेंगे, और फिर इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिए आपको जितना तीखा चाहिए, और नमक तो डालना ही है बस। फिर चलाते जाइए करछी। तो इस चटनी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट, तो आप करछी चलाते जाइए और थोड़ा सा धीरज से काम लीजिए। तो मैंने चटनी बनाना शुरू कर दिया, ये देखिए अभी बॉयल हो रहा है, तो बस पकाते जाइए। तो चलिए मैं तो चटनी बना रही हूँ, जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत किया था इमली के जुगाड़ में, तो फाइनली वो मिल गया, तो मैं खुशी खुशी बना रही हूँ चटनी। ये देखिए फाइनली चटनी तैयार है, इमली की खट्टी मीठी चटनी हमने टेस्ट कर लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स चटनी तो तैयार हो गई है, लेकिन अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू मसाला। तो आलू मसाले के लिए आलू बॉईल कर लिया कुकर में, और आलू को मैंने मैश भी कर दिया है, तो अभी बाकी मसाले भी मिला लेंगे। ये देखिए आलू को मैंने मैश करके रखा है, ये देखिए आलू को मैश करके तो रखा है, लेकिन इसमें बहुत सारे मसाले भी डलते हैं, जैसे कि भुना हुआ जीरा पाउडर, फिर चाट मसाला, मिर्ची और प्याज, लेकिन मम्मी को वो सब नहीं चाहिए तो मैंने सिर्फ चाट मसाला मिला दिया है, ये देखिए। तो यदि आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप मिर्ची भी मिला सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने जो भी बनाया था बहुत तीखा हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही इसलिए मिर्ची कुछ भी, क्योंकि मम्मी को फिर से परेशानी हो जाएगी, तो सिर्फ चाट मसाला मिला के रख दिया है, और प्याज भी मम्मी को पसंद नहीं तो वो भी नहीं डालना। ये देखिए ये है रेडीमेड पानी पूरी के पापड़, तो इनको तेल में डालने से ये बिल्कुल फूल जाते हैं और पानी पूरी का जो फुलका रहता है ना वो बन जाता है, तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, मैंने जितने भी वुमेन हैं उनको तो पता ही होगा। तो इनको चलिए हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे ऑलरेडी फ्राई कर लिए हैं और भी करते जा रहे हैं तो बस बहुत सारे बनाने हैं, क्योंकि मुझे और मम्मी को और भाई भी शायद थोड़ा बहुत खा लें। तो ये देखिए पूरे तैयार हो गए, कितने अच्छे लग रहे हैं और एकदम फूल के बड़े बड़े हो गए हैं, जैसे कि बाज़ार में मिलते हैं। ये देखिए पानी पूरी मसाला है, ये मिलता है बाज़ार में, अवेलेबल है, तो आप इससे भी पानी पूरी का पानी तैयार कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें नमक भी रहता है मिर्ची भी रहता है, लेकिन यदि आपको एक्स्ट्रा मिर्ची चाहिए तो आप एक्स्ट्रा मिर्ची डाल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ इतना ही डाला है, और नमक भी इसमें रहता है तो इसीलिए नमक भी बस थोड़ा सा और डाला है। और ये देखिए तैयार, आप इस पानी में पुदीने पत्ता उसको भी पीस के डाल सकते हैं तो और भी यम्मी बन जाता है, लेकिन हमको नहीं चाहिए था, हमको ऐसे सिंपल ही चाहिए था, तो हमने यही बनाया। तो चटनी भी तैयार है, ये आलू मसाला भी तैयार है, ये पानी पूरी का फुलका भी तैयार है, तो सब कुछ तैयार है देखिए। और मैंने पानी पूरी के फुलके में सारा सामान भी डाल दिया, मैंने चटनी भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया, अब बस पानी डालना है और खाना है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम यम्मी लग रहा है, मस्त लग रहा है तो चलिए फिर क्या करना है, सिर्फ देखना तो ही ना है, खाना भी तो है ना, तो चलिए फिर खाना शुरू करते हैं। ये देखिए फाइनल लुक, तो इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है और आलू और चटनी ये सब तो मैंने पहले डाल दिया था, तो बस सेव लाना मैं बाजार से भूल गई क्योंकि वो इमली के चक्कर में मैं सेव लाना भूल गई। जो भी है ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है और मैंने मम्मी को दे दिया है, और मम्मी को ये बहुत टेस्टी भी लगा है। आपको कैसे लगा आज का ये स्पेशल टेस्टी फूड, होप आप सबने एंजॉय किया होगा। तो यदि आपको यदि मेरा ब्लॉग यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे पुराने ब्लॉग को भी देख लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकॉन है तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों मुझे अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।